कर्नाटक की अनाज मंडी त्योहारी सीजन में विवाद का गढ़ बन चुकी है। बीते 15 दिन से कारोबार ठप पड़ा है। व्यापारियों ने लामबंद होकर हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपए की चपत अब तक लग चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। दौसा के कृषि उपज मंडी में सन्नाटा है। 15 दिनों से ना आहट है, ना नीलामी की ऊंची आवाज, ना वाहनों की आवाजाही है, ना किसानों की चहलकदमी है। मंडी के गले में हड़ताल के ताले पड़े हैं। हड़ताल कर रहे कारोबारियों ने मंडी सचिव पर गाली गलौज से बात करने का आरोप लगाया है। कारोबारियों का कहना है मंडी सचिव गाली गलौज करती हैं और कारोबारी महिला होने के नाते उन्हें जवाब नहीं देते। जो भी पदाधिकारी बात करता है उसी के लिए बोलती है कि इसके हाथ पांव काट दूंगी, और एक बाहुबली तरीके से लोगों को एक बाहुबलीपना दिखा रही है। तो ऐसे सचिव को दोसा में नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इनका ट्रांसफर नहीं किया गया तो दोसा की समस्त जिले की मंडियां आगामी दिनों में बंद करवा दी जाएगी। व्यापारियों के आरोप को खारिज करते हुए मंडी सचिव संतोष मीणा का कहना है कि व्यापारियों को भ्रमित कर कुछ व्यापारी पर्दे के पीछे से कारोबार कर रहे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कल मैंने सारे मजदूर वर्ग को बुलाया और उनको मैंने आश्वासन दिया, मैंने आश्वस्त किया कि मैं आपकी प्रत्येक वर्ष जो मांग है उसको मानते हुए मैं कुछ दिनों के लिए स्थगित करती हूँ और आप मेरे कहने से मंडी खोल दीजिए, क्योंकि अपना पीक सीजन है, खरीफ का सीजन जा रहा है। अब व्यापारियों ने अपनी मनमर्जी करके गुंडागर्दी दादागिरी कर रहे हैं। हड़ताल की शुरुआत पल्लेदारों ने पल्लेदारी के दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर की थी, लेकिन पल्लेदार तो मान गए और अब कारोबारियों ने मंडी पर ताला जड़ दिया। मजदूरी बढ़ाने की मांग थी 8% वार्षिक मजदूरी, तो इन लोगों ने नहीं बढ़ाई और फिर हमने किसानों के हित को देखते हुए और मंडी प्रशासन के आश्वासन पर हमने वापस मंडी खोल दी। कारोबारियों की इस हड़ताल से किसानों को भारी नुकसान हो रहा। त्योहारी और फसल बुआई के सीजन में किसान अपना जींस नहीं बेच पा रहे, ऐसे में किसान को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। और माल लेके आने बाद में यहाँ से बने भाग गए। हम कहते थे आप कुछ क्या करें, कजाम को मालूम नहीं, प्रेस सेक्रेटरी वाले ढेर कर दो, हम आपका माल बिकाएंगे। प्रेस सेक्रेटरी ढेर क्यों करा, नहीं कर दिए भाई ने भाग कर दो ढेर, फिर हमारी क्या दीमत नहीं हुई। तो इस कारण से क्या करें, तो हमारी मजबूरी है, हमें तो माल बेचना पड़ेगा, ऑटो कोट बेचना पड़ेगा। हमारे को कई तरह की आश्वासन दिए, बोले तुम्हारा माल पस्सा आएगा, यहाँ से मंडी से बाहर ले जाओ, घर ले जाओ। हम वो दबाव में आकर के, हमारे ड्राइवर थे किराए में लेकर आए थे, वो ड्राइवर जिस दब के मारे वो ट्रैक्टर को लेकर भाग गए, हमारा माल वापिस से रिटर्न हो गया। सम्मान के दरमियान सजा जंग का मैदान अपने शबाब पर है। ऐसे में ये लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही, लेकिन सवाल किसानों के पेट का है। सम्मान के इस जंग में कहीं किसान बर्बाद ना हो जाए। पिछले 15 दिन से पल्लेदारों ने किसान हित में हड़ताल को वापस लिया, तो अब व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा।